नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों जब भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाते हैं या फिर दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं, तो दोस्तों आपको वहां पर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद जब भी आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको नो बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, जिससे दोस्तों आप परेशान हो जाते हैं और आप वापस पोर्टल से आ जाते हैं, तो आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से आपको नो बेनिफिशियरी ना दिखाकर आपका सारा डेटा आपको यहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगा और आप आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है benefici.nha.gov.in। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है benefici.nha.gov.in, इस पोर्टल पर आपको आना है और आने के बाद आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध हो। और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई वाला, तो आपको वेरीफाई वाले बटन पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया है उस पर एक OTP को सेंड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पर सेंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो यहाँ पर आ चुका है, तो हमें नीचे OTP वाले बटन पर क्लिक करके इसमें OTP को फिल कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर OTP को फिल कर देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर OTP को भी फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं। जैसा भी यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है वैसा ही हम यहाँ पर फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को दोस्तों कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसा दिया गया है वैसा ही फिल कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके इसे पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है और हम यहाँ पर जो है पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लॉगिन होकर आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस है दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्कीम मिलती है PMJAY, इसे हमें ऑटोमेटिक ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है। इसमें हमें 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, PM केयर्स, नमस्ते और आयुष्मान CAPF, तो हमें PMJAY वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद हमें अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी स्टेट है, चाहे आप किसी भी स्टेट के निवासी हों। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सब स्कीम का, तो ये दोस्तों आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको बारीकी से दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। 1x1 आपको यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आशा का, दूसरा मिलेगा AWW AWH, तीसरा मिलेगा BOCW, ये दोस्तों लेबर कार्ड वालों के लिए होता है। चौथा है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय है, और पाँचवा है दोस्तों PM जनमन PBTG, और उसके बाद छठा है PMJAY, और उसके बाद सातवा है PMJAY। तो आपको क्या करना है, आप इसमें एक गलती कर देते हैं कि आपको यहाँ पर जो PMJAY ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पर दिया जाता है इसे ही आप सेलेक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट भर के और आप यहाँ पर से अपना जो है आधार कार्ड नंबर डाल के सर्च कर देते हैं, और जब आपको नो बेनिफिशियरी दिखाई दे जाता है तो आप निराश होकर इसे बैक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको आशा वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद AWW AWH वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद BOCW सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से बारी बारी से सबको यहाँ पर चेक करना है। जब आप सबको यहाँ पर चेक करेंगे तो किसी ना किसी में आपको अपना नाम दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग दी गई है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए है, ये दोस्तों आपकी PMJAY जन आरोग्य आय के लिए है, ये दीनदयाल उपाध्याय के लिए है, ये आपका लेबर कार्ड के लिए है, और ये आशा के थ्रू जो कार्ड बने उनके लिए है। तो सबका आपको किसी ना किसी में आपकी स्कीम में आपको यहाँ पर आपका नाम है वो फंस जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 1x1 दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ आशा वाला बटन, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपना आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर को फिलअप कर देना है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को जो है फिलअप कर देता हूँ। आधार नंबर को दोस्तों मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो नाम है वो अभी नहीं आया, यही लिखकर आया नो बेनिफिशियरी फाउंड गिवन सर्च क्राइटेरिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसी दोस्तों आधार नंबर को सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, जो भी दोस्तों मेरा आधार कार्ड नंबर है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आशा वाला जो बटन है इसे हटाकर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो BOCW वाला है ऑप्शन इसे देखता हूँ, इसमें चेक करके देखता हूँ शायद इसमें मेरा नाम हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अक्षर को बैक कर लेता हूँ,
और उसके बाद वही अक्षर को मैं यहाँ पर दोबारा से डाल देता हूँ, तो यहाँ पर सर्च वाला बटन जो है शो हो जाएगा। उसके बाद फिर से सर्च करना है और सर्च करते ही दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा नाम दूसरी वाली लिस्ट में भी नहीं, यानी कि BUCW वाली भी लिस्ट में भी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जैसे कि मैं अब यहाँ पर PMJY वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस पर आधार नंबर पर क्लिक करूँगा, एक अंक को मैं बैक करूँगा और फिर से उसी अंक को डाल दूँगा। उसके बाद मैं फिर से सर्च करूँगा, तो सर्च करने के बाद दोस्तों मेरा जो डिटेल है फिर से दोबारा से फैच किया जाएगा। और इसी तरीके देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, मेरी जो डिटेल है वो PMJAY में मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो परिवार है, फैमिली है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं वन बाई वन दोस्तों सारे के सारे जितने भी मेम्बर्स हैं, जितनी भी दोस्तों फैमिली में डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। और जिसके दोस्तों यहाँ पर कार्ड बन चुके हैं उनके दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल और वेरीफाइड दिखा रहा है, और जिसके कार्ड नहीं बने हैं उनका यहाँ पर नॉट जनरेटेड यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद भी दो ऑप्शन यहाँ पर रह जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए PMJY के नीचे भी एक ऑप्शन है PMJY आए, और यहाँ पर एक ऑप्शन है AWW AWH, इसे भी आपको चेक कर लेना है। शायद दोस्तों आपका किसी ना किसी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक CSC BLE हूँ और मैं किसी के भी आयुष्मान कार्ड को बनाता हूँ, तो उसका अलग अलग बेनिफिशियरी का अलग अलग स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें, इसमें और उसके बाद इसमें, इस तरीके से वन बाई वन अपने लैपटॉप से सारे के सारे जो यहाँ पर लिंक दिए गए हैं उनसे सबको सबसे चेक करता हूँ। जो कस्टमर आता है उसका किसी न किसी प्रकार से उनका किसी न किसी लिस्ट में उनका नाम मिल जाता है, और जैसे ही हमें उनका नाम मिल जाता है तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और नीचे मैं उनका जिसका भी कार्ड जनरेट नहीं हुआ है उसके कार्ड के सामने जो KYC का बटन है इस पर क्लिक करके उसकी KYC को करता हूँ, और उसके बाद उसका कार्ड जनरेट करके उसे प्रिंट आउट दे देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर अपना उनका जो आयुष्मान कार्ड है बना कर दे देता हूँ। तो मैंने सोचा दोस्तों आपको भी सारी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँ जिससे आपको सोल्यूशन मिल सके और आप भी उसका आनंद उठा सकें। तो दोस्तों अगर आपका कार्ड डाउनलोड करना होता है तो आपको क्या करना होता है, कार्ड अप्रूवल के यहाँ पर सामने दिया गया हुआ है डाउनलोड का बटन, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आपका जो कार्ड है वो आधार नंबर के थ्रू वेरीफाई हो जाता है। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी कर सकते हैं डाउनलोड, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल पर OTP जाएगा, और OTP आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद अपने आधार कार्ड को यहाँ बहुत सारे दोस्तों हम अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और इसी प्रकार की आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हैं, और आने वाले भविष्य में भी आपको नई से नई वीडियोज़ को और नई से नई इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहूँगा। तो आशा है आप दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए देता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।